दूसरी लोकेशन है जिसको बोलते हैं पतंग होटल। ये होटल गोल गोल घूमता है ऊपर। आपको अगर पूरे अहमदाबाद का व्यू देखना है तो इस पर जा सकते हो आप। पूरा रिवोल्यूशन होकर अच्छा व्यू दिखेगा आपको। दिखाता हूँ, चलो। अभी हम लोग रोड पे फोटो खींचने वाले, देखते हैं रोड पे कैसे शूट आते हैं। ये स्ट्रीट फोटो मेरे को अच्छा लगता है, स्ट्रीट का भी अलग ही लुक आता है। तो आप देख सकते हो ये जो स्ट्रीट है ना, इधर हम लोग खींचने वाले फोटो। तो आपको अभी दिखाऊंगा क्लिप, वीडियो दिखाऊंगा, आप देखना कैसा है, और फोटो भी दिखाऊंगा। फोटो देखना है मेरे इंस्टा पे, देख लेना आप। तो कैमरा है ये, कैमरा मैन मैंने इसको बनाया है, तो मेरा फोटो लेगा ये, आप देखना अभी कैसा लेता है। तो आपको लोकेशन दिखाता हूँ, चलो बाय। तो हम आ गए एलिस ब्रिज करके। ये ब्रिज अंग्रेजों ने बनाया था, आप देख सकते हो। और ये साइड का व्यू दिखाता हूँ आपको, देखो। आपको दिखाता हूँ हाँ, ब्रिज का हमारा ब्रिज का रूट बोल। वो बहुत पुराना ब्रिज है और अच्छा भी है। अच्छा, ये मेरा लोकल गाइड है, इसको मेरे साथ शूट पे लेके आया मैं। ये देखो, और आपने लंदन में एक ब्रिज के बारे में सुना रहेगा, वहाँ पे ताला लगाते हैं ना, तो अपनी मतलब विशेष पूरी होती है वो। इधर भी है देखो आप, इधर भी लोग ताला लगाते हैं और चाबी पानी में फेंक देते हैं, विशेष पूरी होती है। मैंने भी एक बार किया था। आपको दिखाता हूँ व्यू 2 मीटर के बाद, और इधर भी शूट अच्छा होता है। यहाँ पे आप आओगे अहमदाबाद में, कोई भी रिक्शा वाले को बोलोगे ना एलिस ब्रिज जाना है, आपको छोड़ देगा। ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 हो गए। अगर आपका घर यहाँ से नज़दीक है तो 50 रुपये लगेंगे बस। अच्छा है, रिक्शा ही बेस्ट ऑप्शन है, आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। तो आपको व्यू दिखाता हूँ, हम लोग फोटोशूट बहुत किया है।
पूरा बैटरी खत्म कर दिया कैमरे का आज। तो हमारा ब्लॉग अभी हम लोग सोच रहे एंड करते हैं ये एलिस ब्रिज का, और भी जगह जाएंगे आपको फुल एंजॉय कराएंगे अहमदाबाद का। और आप कभी इधर आओगे तो जो जो जगह मैं गया उधर जाना भूलना मत, एक से एक शूट हो गया। अभी तो क्या लॉकडाउन था ना, तो इसलिए थोड़ा रूल फॉलो करना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना अगर पसंद आया तो, और आगे देखते और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो फोटो अपडेट्स के लिए।